1.6 ही डिस्कस कर रहे हैं हम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की मयरमेंट के बता रहे हैं कि अगर हम लोगों को कोई मयरमेंट लेनी है तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे। हम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट में अब टाइम को डिस्कस करने लगे हैं। जिस तरह हमने पहले लेंथ को डिस्कस किया कि उसके लिए हमें मीटर रॉड चाहिए था, टेप चाहिए थी मयरिंग टेप या वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इसी तरह टाइम को मयर करने के लिए हमें चाहिए स्टॉप वॉच। सो टाइम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इज स्टॉप वॉच। टाइम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच हम आम रूटीन में भी बहुत यूज़ करते हैं और इसका पर्पस यही होता है कि जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने काम किया या ज़्यादा इंटरवल के लिए किया है तो उस इंटरवल को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टॉप वॉच क्या होती है? टाइम इंटरवल कैलकुलेट करती है कि एक काम हुआ है तो वो कितनी देर में हुआ है, उसका टाइम नोट किया जाता है। जिस तरह हमें टाइम बहुत सी जगहों पे रिक्वायर होता है, लाइक अगर हम लोगों ने एक मूविंग कार या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे गया है तो हमें टाइम मेजर करना है, उसकी स्पीड मेजर करनी है, ठीक है। तो स्पीड मेजर करने के लिए क्या होगा कि हमें उसका कवर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा डी, और उसका टाइम मेजर करना पड़ेगा। तो टाइम जब मेजर करना है तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी तो रिक्वायर होना चाहिए ना, तो स्टॉप वॉच उस टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करती है। इसी तरह हमारे पास अब स्टॉप वॉच के भी फर्दर टू टाइप्स हैं। एक जो थी वो पहले यूज़ होती थी ज़्यादा, एंड देन मॉडिफिकेशन हुई तो अब सेकेंड वाली तब यूज़ होती है। एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। द अदर वन इज डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है। डिजिटल स्टॉप वॉच और मैकेनिकल स्टॉप वॉच दोनों ही हमारी लेबोरेटरीज में भी बहुत यूज़ होती हैं। मैकेनिकल अब थोड़ी कम यूज़ होती है बट डिजिटल अब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैकेनिकल में होता क्या है, ठीक है, मैकेनिकल एक राउंड शेप की जो है डायल होता है हमारे पास, उसके ऊपर होता है एक नोब, ठीक है। अब इस नोब ने इस वॉच को जो है पावर सप्लाई करनी है। पावर सप्लाई किस सेंस में, इसको स्टार्ट करना है या इसको स्टॉप करना है या रीसेट करना है, तो ये एज अ पावर बटन यूज होता है, ठीक है, जो स्टार्ट भी करेगा उसी डायल को, जो स्टॉप भी करेगा उसी डायल को, एंड इसके ऊपर ये रीडिंग्स जो हैं वो मेंशन हुई होती हैं सेकंड्स में भी, आवर्स में भी, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर भी एक छोटा स्केल होता है जो कि हमें मिनट्स के साथ साथ, ये अगर मिनट्स को बता रहा है तो उससे छोटा स्केल हमें सेकंड्स में मेजरमेंट देगा। अब इससे होता क्या है, क्योंकि बटन तो एक ही है, जस्ट यही सिंगल नोब है हमारे पास, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट बटन प्रेस करेंगे, इसी नोब को फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे, फर्स्ट प्रेस, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इसी नोब को जब हम स्टॉप करेंगे, जब हम अपनी रीडिंग ले चुके होंगे, फर्स्ट प्रेस तब करना है जब हमने रीडिंग को स्टार्ट करना है, और सेकंड प्रेस तब करना है जब हम उस रीडिंग को ले चुके होंगे, हमें वो रीडिंग, रिक्वायर्ड रीडिंग जो है हमारे पास आ चुकी होगी, तो हम उस स्टॉप वॉच को स्टॉप करेंगे बाय सेकंड टाइम प्रेसिंग दिस नो। अब वो रीडिंग तो हमारे पास आ गई, इनिशियल भी आ गई, फाइनल भी आ गई। अब हमें क्या दोबारा से जब अगली रीडिंग लेनी होगी तो हमें क्या रिक्वायर होगा कि अगेन जो नीडल है वो ज़ीरो से स्टार्ट करे, तो ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए हमें उसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट के लिए भी यही नोब यूज़ होगी, और इसको हम जब थर्ड टाइम प्रेस करेंगे, थर्ड प्रेस में उस नोब से क्या होगा, सारी वॉच रीसेट हो जाएगी और हमें नीडल अगेन ज़ीरो पे शो होगी। तो ये थी मैकेनिकल वॉच और इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो एक मैकेनिकल वॉच से हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1/10, मतलब 0.1 सेकेंड।
ये अगर एक छोटी मेजरमेंट लेना चाहते हैं, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू के कोई भी काम किया, कोई हमें जो है एक बटन प्रेस करना था और उसके बाद 10 रीडिंग्स लेनी थी और वो बहुत फास्टली, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें बहुत फास्टली जो है रीडिंग कैलकुलेट करनी होती है, तो लाइक ये स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मेजर कर सकती है दैट इज़ फ्रॉम 0.1 सेकेंड। इससे अगर हमें एक्यूरेट और प्रिसाइज या छोटी मेजरमेंट चाहिए तो हमारे पास मैकेनिकल वॉच नहीं यूज़ होती। उससे भी छोटी 0.1 सेकंड से भी स्मॉलेस्ट रीडिंग लेने के लिए, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए डिजिटल स्टॉप वॉच यूज़ होती है। और डिजिटल स्टॉप वॉच किस तरह से होती है, इसी तरह की एक शेप होती है कोई सी भी, एंड इसके ऊपर ये स्क्रीन होती है, एंड देन हमारे पास इसके बटन्स अलग होते हैं। अब एक बटन पे हमारे पास मेंशन होता है स्टार्ट एंड स्टॉप, सेकंड बटन रीसेट का होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच में यहाँ पे डिजिट्स शो हो रहे होते हैं कि अगर हमें एक मेजरमेंट, हम यहाँ से तो खुद कैलकुलेट कर रहे थे, हमें इस इनकी जो है रीडिंग्स को देखना पड़ रहा था कि अच्छा अगर ये यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ है तो 1 आवर इतने मिनट्स इतने सेकंड इसने कैलकुलेट किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट फिगर वो खुद ही मेंशन करके दे देता है, लाइक 10.3, मतलब 10 मिनट्स 3 सेकंड्स जो है हमारे पास उसने कैलकुलेट किए हैं। तो इसी तरह जो डिजिटल है वो एक मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज मेजरमेंट दे रही है। लीस्ट काउंट अगर इसका चेक करना चाहें, लीस्ट काउंट That is 1/100 सेकेंड, it means 0.01 सेकेंड का टाइम इंटरवल डिजिटल स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आप अपनी लेबॉरटरीज में ज़रूर ये चीज़ देखिएगा कि अगर हम स्टॉप वॉच मैकेनिकल देखें तो वो किस तरह की लगती है एंड डिजिटल स्टॉप वॉच किस तरह की होती है। और डिजिटल स्टॉप वॉच तो इतनी यूज़ होती है कि आप जो हैं अपने डिफरेंट प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में, लाइक सिंपल पेंडुलम का अभी आप करेंगे फर्दर 9th क्लास में, तो सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन को काउंट करने के लिए कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितने टाइम में मूव कर रहा है, कितनी देर में मूव कर रहा है, तो आप डिजिटल स्टॉप वॉचेस को जो है यूज़ करेंगे। इसी तरह मैकेनिकल भी पहले बहुत यूज़ होती थी, तो आपकी लेबॉरटरीज में ज़रूर होगी और इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि हम अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कोई भी तो वो दिखता कैसे और उसके ऊपर स्केलिंग किस तरह की हुई हुई है। अगर उससे हम खुद कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कोई टाइम पीरियड या उसका लीस्ट काउंट, तो उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। सो दैट वॉज योर अबाउट टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।